हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर, क्लर्क मेंस के लिए मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें, सिर्फ उसका ही सिंगल वीडियो बना दे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वीडियो एंड इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे माय वीडियोस विल बेनिफिट यू और आप कैसे मैथ्स में, मेन्स में, क्लर्क मेन्स में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो, द मेन थिंग इज़ कि जो लोग भी आप लोगों के मन में फियर है, फियर ऑफ मैथ्स, सबसे पहले फियर ऑफ मैथ्स को रिमूव करो, तभी आप लोग मैथ्स में अच्छा कर पाओगे। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो कि यार हमको 35-40 जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमको सारे के सारे बनाने हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर पेपर का लेवल अच्छा आता है तो। फर्स्ट मेन बिगेस्ट थिंग इसमें यह है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं। देखो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है एग्जाम कंडक्टिंग का, ये सिर्फ आपके सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, मेनली जो प्रोसेस है ये रिजेक्शन का प्रोसेस है। तो जो लोग गलत क्वेश्चन को पिक करते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होते रहते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स बचते हैं दे विल क्वालिफाई फॉर इट फॉर श्योरली, ठीक है ना। तो अच्छे से चीज़ों को सुनना एंड प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीट, तभी आपको अच्छे से बेनिफिट हो पाएगा। इफ़ यू आर ऑन विथ मी देन यू हैव टू डू वेरी मच बेस्ट इन मैथ्स सेक्शन, ठीक है ना। तो लिसन इट कम्प्लीटली। इसमें मैंने भी बताया कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, फर्स्ट हाउ टू वॉच माई वीडियोज एंड इम्प्लीमेंट सो दैट इट विल बेनिफिट यू मोस्ट, दिस इज द स्लाइड, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग होते हैं कि वीडियो देखा, 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देख के उनको सोचते हैं कि हमको अब आ रहा है। ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने मेरे क्वेश्चन, कुछ वीडियोज होंगे जो बोर्ड पे मैंने जो पढ़ाए हुए हैं, वो अगर आपको क्वेश्चंस पुट अप हैं आपके सामने, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो और टाइम नोट करो कि कितनी देर में हमने उन क्वेश्चंस को किया। फर्स्ट, सबसे पहली मेन जरूरी चीज़ ये है कि आपको जो 15 टॉपिक्स हैं मैथ्स में, मिसलिनियस के हुए, वर्ड प्रॉब्लम्स के हुए, आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप लोग कैसलेट DI बना पाओगे, तभी आप लोग जो चैप्टर बेस्ड DI है वो बना पाओगे। और जो डेटा सफिशियंसी पार्ट है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डेटा सफिशियंसी और DI पे ही फोकस रहता है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपका कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि आपको ट्रिक्स आनी ज़रूरी है। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैंने कैलकुलेशन स्पीड के लिए भी एक वीडियो डाला हुआ है कि कैसे आपको कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन डू मच फास्टर, ठीक है ना। तो वीडियो, आप कोई भी कंसेप्ट का, मान लो आपने कंपाउंड एंड SI CI का मेरा लेक्चर लिया, आप उसको देखें, पूरा देखने के बाद जस्ट 5 मिनट आंख बंद करके सोचें कि मैंने अभी क्या सीखा, क्या नया सीखा मैंने और मुझे क्या आ रहा था। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जहन में उतर जाएगी कि यार मुझे क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, मैंने क्या कंसेप्ट सीखा। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वीडियो देखा आप उसका प्रैक्टिस बाद में कर रहे हैं, तब तक आपका जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए उस टाइम, वो जो आपने जो चीज़ उस टाइम पढ़ी है उसका इम्पैक्ट हाथों हाथ दिखना चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे ही 5 मिनट सोचोगे ना आंख बंद करके कि यार मैंने क्या सीखा, तो आपके चीज़ें अंदर उतर जाएगी और आपको पता पड़ेगा कि यार एक्चुअल में कैसे प्रोसीड करना होता है, कहाँ पे किन चीज़ों का डिफरेंस है, कौन से चैप्टर को कैसे डील किया है ने। इसलिए कंसेप्चुअल वे इज़ द बेस्ट वे टू टैकल मैथ्स, चाहे वो मेंस की बात हो या प्रीलिम्स की बात हो, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के सेम डे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब जो आप लोगों के मन में रहता है कि सर फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस मेंस लेवल क्वेश्चन, फॉर मी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं या मैं आप इन जनरल बात करूं, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर हम मेंस के लिए प्रैक्टिस कहां से करें क्वेश्चंस की, देखो मेंस और प्रीलिम्स में डिफरेंस सिर्फ इस चीज का रहता है कि क्वेश्चन का लेवल का डिफरेंस रहता है। बट आप लोग अगर अपना, आपने उसका विजन आपने बना लिया है मन में और आपने अगर सोच लिया है कि मुझे चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो मुझे उसको करना है, फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। जो लोग सोचते हैं कि सर मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम ढूंढें, देखो मेंस लेवल के क्वेश्चंस या जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन वैसे टाइप का प्रैक्टिस करो। एग्जाम में आपको डेफिनेटली डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा या आपको वैसे ही क्वेश्चंस कहीं से मिल जाएंगे जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फिर एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब ही क्या है। सो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे तभी आप मैक्सिमम कर पाओगे मैथ्स सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में। सो बी ऑलवेज रेडी फॉर सरप्राइजेस।
अब सरप्राइजेस के लिए रेडी रहने का या सबसे मेन जरूरी चीज़ है पेपर को आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए पहले 2-4 मिनट के अंदर देख लिया करो और लिख लिया करो कि सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू होके ज़रूर आया करो कि यार ये 50 क्वेश्चंस हैं, मुझे इसमें से 30-35 क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको मैं विद इन टाइम और टाइम लिमिट से कम के अंदर मैं उनको क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, और जब आपके पीछे जो 15-20 क्वेश्चंस बचते हैं उनको आपको कितनी देर में देना और उनमें भी आपकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा करना है, तभी आप लोग मैथ्स में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 4.5-5 नंबर कट ऑफ है पीओ मेंस का। व्हाट डज इट मीन कि स्टूडेंट इन जनरल प्रैक्टिस मैथ्स में इसलिए नहीं करते या वो पहले ही अपने मन में सोच लेते हैं कि यार मैथ्स मुझसे नहीं होगी। जब तक फियर ऑफ मैथ्स आप रिमूव नहीं करोगे तब तक आप कैसे अच्छे से कर पाओगे। सो ट्राई टू वर्क ऑन दीज थिंग्स सो दैट थिंग्स विल बेनिफिट यू मैक्सिमम। और किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप लोग अगर मान लो आज आपने वीडियो देखा या अपने मंडे को कोई भी वीडियो देखा, आप उसके क्वेश्चंस करो 40-50 या डिसाइड कर लो कि मुझे आज टाइम एंड डिस्टेंस एट एनी कॉस्ट अप टू मैक्सिमम लेवल कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बेस्ड आप कैसले डीआई भी करो, चैप्टर बेस्ड डीआई भी करो और क्वेश्चंस भी करो, इनसे क्या होगा आप एक एक चीज को इजीली डील करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आते रहेगा। और हर 4-5 दिन के बाद जितना भी आपने मान लो 4 दिन में आपने 4 चैप्टर कवर किए हैं, उन चारों के फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट या वीकेंड में या सैटरडे संडे को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करो। अब क्वेश्चन ढूंढना कहाँ से, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि एस्पिरेंट्स जोन और अफेयर्स क्लाउड पे आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अलग से 14-15 सेट्स चारों सब्जेक्ट्स के आपको एस्पिरेंट्स जोन पे मिले हुए हैं। आप देखना अनरीड्स वाला जो फोल्डर है उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप में पोस्ट किए हैं, फेसबुक पे हो या टेलीग्राम ग्रुप पे हो, उनको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से और उनके आंसर्स करें। आप लोग जितना रेस्पॉन्ड करोगे देन एंड देन मैं भी उन क्वेश्चंस को ले पाऊंगा। अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो आप बताओगे तभी तो मुझे पता पड़ेगा ना कि आपको क्वेश्चंस में कहां पर दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप चीज़ों को डील करें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए वीडियोस को आप पूरा देखें। आप लोग सोचते हैं कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उनको देखेंगे। इन टोटल मैंने 102 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं टिल डेट। उसमें से 10-15 ऐसे वीडियोस होंगे जो सिर्फ उसमें एनालिसिस होगा या जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं या पेपर के बारे में कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। 10-15 वीडियोज़ ऐसे होंगे। अदरवाइज जो 75-80 वीडियोज़ हैं आप उनको देखें, पीछे एक एक चीज मैंने हर एक चैप्टर पे आपको कंसेप्ट डिलीवर किया हुआ है और मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग ऐसा मत सोचें कि एक ही वीडियो है SICI पे, 2-3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं मैंने हर एक टॉपिक पे इन जनरल। अब उनकी प्रैक्टिस आप करोगे तभी तो जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को सीखोगे। आप लोग इस तरह इसको वे को अपनाओगे कि यार मैं ये क्वेश्चन तो मेरे से ट्रिक से हो रहा है। देखो हर एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीका नहीं होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ट्रिक्स से करोगे वो वेल एंड एनफ है, नो डाउट कि वो काम आता है प्रीलिम्स में, बट मेंस में आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि व्हाई यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन मेंस ड्यू टू योर कंसेप्ट, या आपकी प्रैक्टिस कम है, या आपकी स्पीड नहीं है, या आपका सलेक्शन ऑफ क्वेश्चन गलत है। इन चारों चीज में कौन सी चीज आपको आपके सलेक्शन से दूर कर रही है या आप मैथ्स में मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, और उसके बाद उन चीज़ों को उस वे में इम्प्लीमेंट करें तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी आज के टाइम में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको आप मिस कर सकते हो, चारों सेक्शन आपको अच्छे से आने चाहिए। तो वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। दोज हु आर फॉलोइंग इट वेरी सिंसियरली फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स दे हैव बेनिफिटेड अलॉट, लॉट ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड इन RRB PO मेन्स एंड IBPS PO मेन्स एंड ये इंडियन बैंक में भी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो इफ दे कैन यू ऑल्सो कैन। किसी एक जने को अच्छे से फॉलो करोगे तो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली मुझे फॉलो करो या मुझे ही फॉलो करो, आई एम नॉट ले, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है आप उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट होगा। द थिंग इज कि जो आपने मन में मेंटालिटी बना रखी है ना कि मेंस का पेपर बहुत टफ आता है या टफ आएगा, वैसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे मुझे, एंड इसी चीज के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको कंसेप्ट आता है, ट्रस्ट मी, अगर आपको कंसेप्ट आता है ना
कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे उसमें एक्स और वाई की दो इक्वेशंस हो या एक्स वाई जेड तीन इक्वेशंस हो। इक्वेशंस को फास्ट कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो। मैंने पुराने वीडियोस में एक एक चीज़ बताई हुई है कि कैसे हम इक्वेशंस को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों का कितना कहना करते हैं, आप उनको कैसे फॉलो करते हैं। और आप प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको बेनिफिट होगा फॉर श्योर। ये नहीं कि आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो देख रहे हो तो मैंने तीन चार मिनट वीडियो देख लिया अब मेरे को सब कुछ आ गया, ऐसे नहीं होता है। मैंने एक एक, ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम एंड वर्क बताया तो लास्ट में उसके कुछ और नहीं बताया। मैंने हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को मैं मोस्टली दो टाइप से करके आपको बताता हूँ कि देखो कैसे हम और फास्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा करेगा। बट द थिंग इज़ कि अच्छे से समझ के करोगे चीज़ों को तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। डेटा सफिशिएंसी हुआ, मैंने 5-6 वीडियोज़ उस पर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर मेंस के डेटा सफिशिएंसी लेवल, मैंने वो भी अपलोड किया। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको कंसेप्ट आएगा ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। मैंने 12-14 वीडियोज़ आपको चैप्टर बेस्ड DI पे अपलोड किया, अलग से एक एक प्लेलिस्ट क्रिएट है, उसको जाके देखें एंड यू विल डेफिनेटली बूस्ट योर कंसेप्ट, ठीक है ना। तभी आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएंगे। सो फॉलो दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली, यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नेवर थिंक कि मैं मेंस के लिए अलग से क्वेश्चन ढूंढूं एंड मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं। और जो लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट से मेरा स्पीड आ जाएगा, अगर स्पीड आ रहा होता तो अभी तक आप लोगों ने, अगर आपने ट्राई किया है पिछले 1-2 साल से या 6-5 महीने जितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट से बेनिफिट हो रहा है तो ट्रूली होना चाहिए बेनिफिट। अच्छे से उसका बेनिफिट तभी होगा जब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप 50 मान लो, 50 क्वेश्चंस का आप कोई भी सेट लगाते हो, आपको अगर उसमें से क्वेश्चन ही 30 आएगा तो आपकी मेंटालिटी या आपको यही, आपके अंदर से यही आवाज़ आएगी, यार मुझे ये 30 के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जिस दिन आपको 50 में से 40-45 क्वेश्चंस आएंगे तब आप सोचोगे कि यार मुझे इस टाइम में 45 क्वेश्चन करने हैं, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ना कि मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ेगी। इसलिए आप चीज़ों को अगर अच्छे से कवर अप कर लोगे, एक बार में अपना लेवल ऐसा अपलिफ्ट करो कि चाहे वो प्री हो या मेंस हो, आप दोनों में बेस्ट कर सकते हैं। नॉट लाइक दैट कि यार प्री क्लियर होने के बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा, तो ऐसे चीज़ें आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वॉट आई वॉन्ट टू से इज, एंड डेफिनेटली दिस विल बेनिफिट फॉर श्योर, लेकिन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी सोर्स का। उसके लिए किसी एक चीज पर रिलाई करने से, किसी एक चीज पर रिलाई करो। जैसे आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो आप, तो उसको कंप्लीटली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आपको जो नए वीडियोस मिलेंगे सिर्फ वही बेनिफिट करेंगे। तो गो टू द प्लेलिस्ट, आप चैनल पे 102 वीडियोस हैं, आप देखें उनको, और उन चीजों को जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करोगे आपके लिए बूस्टर होगा। मैंने हर एक चीज़ के लिए आपको अभी IBPS क्लर्क मेंस में चारों सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वो भी वीडियो दिया है, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग का भी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, आई विल कंप्लीट दैट ऑल्सो, डोंट वरी। वर्ड प्रॉब्लम्स के लेटेस्ट में मैंने जो 2017 में क्वेश्चन आए थे वो दो सेट्स लिए हुए हैं, आप उनको देखें और समझने की कोशिश करें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। आई होप दिस एडवाइस विल डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू, एंड डू शेयर प्रॉपर एडवाइस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे ऑल्सो कैन बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करके बताया करो कि कोई वीडियो में आपको समझ कहाँ तक आया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है ना। And thank you very much once again for watching this video with this much of patience. And do share it with your friends as well. Like karo, comment karke batao ki yes sir, this will benefit for us. Maine Facebook pe kafi post dale hue hain ki kis sequence mein aapko chapter aap follow kare, so that you can utilize it maximum. ठीक है ना, आप उसको देखें। टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें भी आप ऐड हैं आप उसको देखें, मैंने पोस्ट प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं, सो दैट इट विल बेनिफिट यू मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच, and do share with your friends as well.